मेडिटेशन साधना टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त आ रहा है जिसकी दीक्षा सभी साधकों को दी जाएगी। इस मुहूर्त को गुरु पुष्य योग भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, पुष्य नक्षत्र जो होता है वो बहुत पवित्र नक्षत्र होता है और जब वो गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु पुष्य योग कह देते हैं। गुरु पुष्य योग अगर देखा जाए तो लगभग साल में 4 बार 5 बार, कभी कभी 3 बार भी होता है। एक मुहूर्त गुजर चुका है क्योंकि हमने नवरात्रि दीक्षा दे दी थी, इसलिए उसमें दीक्षा नहीं दे पाई। ये मुहूर्त में दीक्षा दी जाएगी। दीक्षा फोटो के माध्यम से होगी और केवल 7 साधकों को दीक्षा दी जाएगी। 2 प्रकार की इसमें दीक्षा रहती है। जो साधक करेंगे हम उसे बता देंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दीक्षा में लाभ क्या होता है। मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि जो साधक नए हैं या जिनका ध्यान में मन नहीं लगता है, उनका थोड़ा मन लगना शुरू हो जाता है। साधक का चित्त स्थिर होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो दीक्षा का प्रभाव आपको महसूस हो जाता है। ध्यान में आपकी ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, सकारात्मकता बढ़ती है, महागुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये गुरु पुष्य योग जो है ये काफी इम्पोर्टेंट और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक है। अगर इन 4 रात्रियों को निकाल दिया जाए, जैसे होली की रात्रि, नवरात्रि, महाशिवरात्रि या दीपावली की रात्रि, तो इसके अलावा ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट मुहूर्त आते हैं, गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग। रवि पुष्य योग अभी काफ़ी दूर है, जो हाल के महीनों में नहीं पड़ने वाला है, और गुरु पुष्य हमको मिला हुआ है, तो इन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों पर हम दीक्षा दे सकते हैं और दीक्षा में अपनी जो ऊर्जा एनर्जी होती है वो साधक को प्रदान करते हैं, जिसका प्रभाव आपको महसूस होता है। और उसके कुछ नियम होते हैं। जो दीक्षा रहती है वो ऐसा नहीं हो सकता कि कई सारे साधकों को एक साथ दे दी जाए। कुछ लिमिटेड साधकों को दी जाती है और रोज रोज नहीं दी जाती, मतलब उसके लिए कुछ गैप होना चाहिए। हमने महीने में एक दिन ही डिसाइड किया है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट मुहूर्त या योग पड़ेगा तो हम उस दीक्षा को देंगे। तो आप सभी गुरु पुष्य योग की दीक्षा में भाग ले सकते हैं। 7 साधक हम लेंगे। दीक्षा निःशुल्क नहीं होती है और दीक्षा का हमने कुछ शुल्क भी रखा है, और जो भी शुल्क है आप अगर समर्थ हैं तो आपके लिए ठीक है, आप दे सकते हैं। हम आश्रम कार्य में ही लगाने वाले हैं। तो जो साधक दीक्षा चाहते हैं वो इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करें कि आप दीक्षा में अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम बताएंगे। जो साधक पहले से बार बार सिर्फ पूछते आ रहे हैं उनको हम वरीयता नहीं देंगे और गुरु पुष्य योग में दीक्षा प्राप्त करें। और जो नहीं प्राप्त कर पा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो साधक बिल्कुल नए हैं, मतलब आज से ही ध्यान शुरू कर रहे हैं, उनको दीक्षा की जरूरत नहीं है। वो पहले तो कुछ दिन ध्यान करें, जब उनका ध्यान थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा तब वो दीक्षा में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद। मेडिटेशन ध्यान साधना टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफल बनाएं।